जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, श्री साईनाथ को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज साईं बाबा का मैं आप लोगों को 5 मंत्र बताऊंगा जो आपके जीवन में सफलता देगा, धन देगा, जिनको व्यापार में वृद्धि चाहिए वो देगा, घर की सुख शांति देगा, और जिसको अध्यात्म चाहिए उसको अध्यात्म देगा। ठीक है, साई बाबा नाथ संप्रदाय के एक साधु थे, साई नाथ, और इनके कई किस्से स्वामी समर्थ के साथ और कई वेदाचार्यों के साथ है, जहाँ से इन्होंने वेद का दीक्षा लिया, वेद की शिक्षा ली, और स्वामी समर्थ के साथ भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मूलभूत रूप से एक उच्च कोटि के साधक थे, और जो नाथ और सिद्धों का जो एक पूरा लीनेज होता है उसमें जो महागुरु होते हैं वो चैतन्य हो जाते हैं, मतलब गुरु हमेशा रहते हैं, और आपको एक मंत्र मिलता है और उस मंत्र के जाप से गुरु आपकी मदद के लिए सदैव प्रत्यक्ष रहते हैं। तो साईं नाथ का जो मंत्र है जो आप लोग सभी जानते होंगे, वो मंत्र जिससे कि साईनाथ की आराधना की जाती है, वो है ओम साई राम या जय साई राम, दोनों मंत्र चलता है। जो प्रचलन में है वो ओम साई राम है, लेकिन मंत्र जो है वो है जय साई राम। ठीक है, ये जो मंत्र है ये उन 5 मंत्रों में नहीं है, ऐसा ही आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र आपको जय साई राम जो मंत्र है ये आपको साईं बाबा पे जो आस्था है उसको बढ़ाने में मदद करता है। देखो, साईं बाबा पे मेरी कोई आस्था नहीं थी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में घटी जिसके बाद से मुझे इन पर विश्वास हो गया। मैं एक बार कहीं जा रहा था ट्रेन से, और मनमाड में किसी को खबर लग गया कि मैं जा रहा हूँ, उसने ट्रेन रुकवा दिया, वहाँ के संभ्रांत लोग थे, और फिर उन्होंने मुझे मनमाड पर रोका कि एक दिन आप यहीं रुक जाओ। तो वो बेचारे, दूसरे दिन उनको कुछ कार्य था तो वो कहीं जाने लगे, तो मुझे बोला उन्होंने कि आप साईं बाबा का मंदिर क्यों नहीं देख लेते हैं। तो मैंने बोला मेरी कोई आस्था नहीं है साईं बाबा में, मुझे लगता है कि उनके नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है, जैसा कोई भी जैसा प्रोपागेंडा था उसके हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको विश्वास नहीं है अलग बात है, लेकिन एक सुंदर मंदिर है, आप उसको देख सकते हैं, जो दिन भर आपके पास समय है वो अच्छा व्यतीत होगा। मैंने बोला ठीक है, चलते हैं। तो मैं चला गया, फिर ट्रेन से मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर ऑटो लेकर के एक स्थान पर उतरा, मुझे अभी ध्यान नहीं है क्योंकि पुरानी बात है। और वहाँ से क्या था कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सामग्री बेचने के लिए मेरे पीछे लग गए, तो कोई वस्त्र बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है कि यही वस्त्र चढ़ता है, यही प्रसाद चढ़ता है। एक बूढ़ा मेरे पीछे लगा हुआ था कि ये गुलाब के फूल ले लो, यही साईं बाबा को चढ़ता है, और मैं उससे मतलब दूरी बना रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चढ़ाना है गुलाब, मुझे नहीं चढ़ाना है। और वो मुझे समझा रहा है कि देखो यही गुलाब है जो साईं बाबा को चढ़ेगा, और उसने शुरू किया था कुछ, वो 10 गुलाब के वो मुझसे 100 रुपये मांग रहा था, और मांगते मांगते वो जो है कम हुआ, फिर 70 पे आया, 50 पे, जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक मैं पहुंच रहा था वो और कम करता जा रहा था दाम। अंतोगत्वा मैं मंदिर में प्रवेश करने वाला था, वो उसने बोला 10 रुपये में ले जाओ। मैंने बोला 1 रुपये मैं नहीं दूंगा, मैंने ये कुछ खरीद लिया है, कुछ प्रसाद अपने लोगों में बांटने के लिए, फूल ले जाके मैं क्या करूँगा। तो उसने बोला तुम फ्री में ले जाओ ये फूल को। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे चढ़ाना ही नहीं, जितनी मेरी आस्था उतना मैंने कर दिया। अब अंदर घुसा तो लाइन, मैंने बोला कि अब चाहे तो आप मुझे तुरंत दर्शन दे दो, या फिर मैं यहाँ से घूम जाऊँगा, मैं इतने लंबे लाइन में आपके दर्शन नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगले 3-4 मिनट में मैं साईं बाबा के विग्रह के सामने खड़ा था। उसके बाद वही स्टाइल, वो सामने गए हम, मुझे तो पहले दिन समझने में बहुत समय लगा, सामने गए, उन्होंने ऐसे प्रसाद मेरे हाथ में पकड़ा, ऐसे करके जैसे झूले जैसे उसको झुलाया, साईं बाबा के चरण में उसको स्पर्श करवा के मुझे दे दिया। मैंने भी लिया और उसको अपने झोले में डाल दिया, आ गया वापस। अब शाम में जिस महोदय ने हमें रोका था उन्होंने
मुझे बोला कि साईं बाबा का के पास गए थे, आपने प्रसाद लिया क्या? तो उन्होंने प्रसाद लाया वो बैग में, वो बैग लेके आओ, उसमें प्रसाद ले लो, मुझे मतलब बांटने का में भी इंटरेस्ट नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला, महाराज जी मजाक कर रहे हो आप तो प्रसाद लाए नहीं। मैंने बोला बिल्कुल लाया हूँ, इस रंग का एक थैला है, उसमें प्रसाद है। अब उसने वो थैला निकाल के दिया, बोला इसमें भी प्रसाद है? हाँ, ठीक से देखो उसी में। तो बोला नहीं, इसमें तो कुछ और है। मैंने बोला क्या, इधर लेके आओ। उसने मुझे वो झोला दिया, उस झोले में वही फूल का गुच्छा था, एक प्रसाद नहीं, सिर्फ फूल का गुच्छा, जो मैंने चढ़ाने से मना कर दिया था। ये पहली घटना थी। इसके बाद कुछ और ऐसे वाक्या हुए जिसको हम सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते। तब से मेरी साईनाथ में आस्था है और मैंने जितना इनका अध्ययन किया है, ये अच्छे साधक थे। तो आपको भी इनका इनकी साधना करनी चाहिए। देखो, इनकी साधना में कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र नहीं लगता है, ठीक है? कोई भी अच्छे दिन और अपने उपयोग अनुसार आप मंत्र चुन ले, जो मैं भी 5 बताऊंगा, और रोज इसका 108 बार जाप करें। कितनी बार? 108 बार। आप कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? चाहे वो स्फटिक हो, रुद्राक्ष हो, या कुछ कोई भी हो, कमलगट्टे की माला हो, है ना? और अच्छा ये माना जाता है कि गुरुवार उनका दिन है क्योंकि गुरु हैं, या फिर पूर्णिमा के दिन से इनका जाप शुरू करना चाहिए। ऐसे किसी भी दिन आप शुरू करोगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और मंत्र क्या है इनका? तो मंत्र बहुत आसान होता है। इनके मंत्र करने से आप देखिएगा कि आपके घर में खुशी रहती है, और बड़े प्रत्यक्ष रूप से बाबा विराजते हैं। जो भी इनके अपना भी इनका विग्रह या फिर तस्वीर अपने घर में लगाता है। तो पहला मंत्र है उन लोगों के लिए जिनको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है? वो जापेंगे श्री साईं अपराजिताय नमः। सक्सेस के लिए, जिनको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो जाप करेंगे श्री साईं अपराजिताय नमः, ठीक है? जिनको नौकरी नहीं मिल रही हो, जिनका पद उन्नति नहीं हो रही हो, वो जाप करेंगे ओम श्री साईं तीर्थाय नमः। क्या? ओम श्री साईं तीर्थाय नमः, ठीक है? तीसरा मंत्र उनके लिए जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में धन की कमी हो रही है और उनके जीवन में उनका काम बनते बनते अटक रहा हो, दोनों मतलब धन और साथ में अच्छा लक, अगर ये दोनों आपका साथ छोड़ रही हो, तो उनके लिए मंत्र क्या है? उनके लिए मंत्र है ओम श्री साईं लक्ष्मी नारायणाय नमः। क्या है? ओम श्री साईं लक्ष्मी नारायणाय नमः, ठीक है? जिनका स्वास्थ्य खराब है, जिनके घर में ऐसा कुछ समय आ गया है कि उनको लगता है कि उनके घर में मृत्यु हो सकती है, तो वो पहले महामृत्युंजय मंत्र का 7 बार जाप करेंगे, ठीक है? महामृत्युंजय जो महादेव का मंत्र है, उसका 7 बार जाप करेंगे। फिर साईं बाबा का मंत्र ओम श्री साईं मृत्युंजय नमः, ओम श्री साईं मृत्युंजय नमः, इसका 108 जाप करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि इस मंत्र को करने से पहले अनिवार्य है कि 7 बार आप जो है महामृत्युंजय का जाप करेंगे, मृत्युंजय नहीं, बीज के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो उस व्यक्ति के घर में अगर कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब अंतिम मंत्र जो आज का मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत लोगों के लिए बहुत अटपटा मंत्र होगा, लेकिन जब आप सुख में हैं और आपको धन धान्य और उसके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको अपने जीवन में चाहिए होता है, तो उसके लिए ये मंत्र। देखो, मैंने ऐसे हमेशा बताया है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो
दोनों पक्ष का करना चाहिए, मतलब महादेव विष्णु लक्ष्मी और उमा का। तो उससे क्या होता है कि आपका जो धन भाव है, जो मैटेरियल लाइफ है, जो माया ने आपके लिए इस जीवन में चैलेंज रखा है, वो भी पूरा होता है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होता है वो भी पूरा होता है। तो वैसे लोगों के लिए मंत्र है। मंत्र क्या है? ओम श्री साई ज्ञान वैराग्य दाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान वैराग्य दाय नमः। ठीक है, तो इसको करने से क्या होगा कि जीवन में अगर आपको धन धान्य भी कमाना है, मतलब मैटेरियल लाइफ आपको अच्छा रखना है, और साथ में आपको स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है, आप मतलब इसके लिए क्या है कि एक एवरेज इंसान से आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा चलना चाहिए, तो उसके लिए ये मंत्र बहुत अच्छा होता है। मैं फिर अब छोटे छोटे ऐसे वीडियो साईं बाबा पे और बनाऊंगा, जिसमें कुछ तांत्रोक्तर प्रयोग बताऊंगा, जैसे कि अगर किसी का इलिसिट संबंध है हस्बैंड वाइफ में तो उसको दूर करने का, किसी का कोक बंधन है उसको दूर करने का, किसी के शादी में बाधा है उसको दूर करने का, है ना, इस तरीके के विधान के साथ मैं मंत्र बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188885 से जुड़ सकते हैं। साधना शुल्क जो है 3 महीने का 2100 रुपये है। इसमें साधना का शुरुआती जो विधान है वो आपको बताता हूँ। जिनको मेरे लिखे हुए लेख पढ़ने हैं या फिर जिनको मेरे आगामी कार्यक्रम या शिविर में आना है, वो www.agortantra से देखते रहें। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। रुद्रनाथ@cm साईं बाबा आप सभी पे कृपा बरसाएं। ऐसी मेरी कामना, आप सभी को आदेश आदेश रखा दें।